क्या आपकी भी पेंशन नहीं आई है? ऐसे में आखिर क्या गलती हो गई है कि डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन रुक गई है? सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और कहूंगा दोस्तों कि अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि हमने हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया। तो अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप जानिए उसका पूरा प्रोसेस और उसके बाद आप अपने पेंशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिन लोगों का डेटा इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया है तो उनको जो डेट एक्सटेंशन मिला है वो मिला है 28 फरवरी तक। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आप जैसे ये अभी मैंने स्पर्स डिफेंस पेंशन .gov.in ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने ओपन किया हुआ है। अभी जो डेटा माइग्रेट हुआ है ना स्पर्स की तरफ से, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, वो सिर्फ इतने ही डेटा है जो कि स्पर्स में माइग्रेट हुए हैं, वो कितने हैं 20,52,964 इतने पेंशनर्स का डेटा माइग्रेट हुआ। अब ऐसे में कईयों पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको यूजर आईडी पासवर्ड मिला तो उन्होंने लॉगिन भी किया है, और अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमने सारी चीजें आपको बताई हुई है कि स्पर्स पोर्टल में लॉगिन कैसे करते हैं, लाइफ स्टेटस कैसे ट्रैक करते हैं, अपना पेंशन स्लिप कैसे जनरेट करते हैं, A to Z चीजें बताई हुई है। और जिन लोगों को स्पर्स की तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो उनको भी हमने बताया कि अगर आपका डेटा माइग्रेट हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि PCDApension.NIC.in ये देखिए ये PCDA का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है और यहां से आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि यहां पर PCDA की तरफ से दो स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट आ गए, ये वाला अभी लेटेस्ट है स्पर्स माइग्रेटेड PPO। अब आप स्पर्स के पोर्टल पे भी ना जाकर के सिर्फ यहां पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, आधार पैन, सारा स्टेटस एक जगह पे मिल जाएगा। और अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहां से सिर्फ आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है कि नहीं। तो देखिए जिन लोगों का पेंशन रुक गया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको PCDA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको जस्ट माइग्रेशन इनटू स्पर्स चेक स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके पास जो स्पर्स का PPO नंबर नहीं है तो EPPO नंबर डाल सकते हैं, रेजिमेंटल नंबर जो इंडियन आर्मी नंबर होता है वो दीजिए, या जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है उस बैंक अकाउंट का नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चा कोड दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका डेटा माइग्रेट हुआ है कि नहीं। अगर आपका डेटा माइग्रेट हुआ है तो आपका पेंशन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया है 28 फरवरी के लिए। लेकिन अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो आप सबमिट कर जरूर लें, लेकिन यहां पर अगर आपने माइग्रेशन स्टेटस चेक किया और आपका डेटा माइग्रेट नहीं है स्पर्स पेंशन पोर्टल में, तो अब आपको करना क्या था कि आपका जब डेटा ही स्पर्स में माइग्रेट नहीं है तो स्पर्स में फिलहाल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपको अपने बैंक में जाना है, जिस तरीके से पहले आप अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे सेम उसी तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब देखिए गलतियां क्या हुई ना, सच में ये गलतियां हुई है। अब ना चाहते हुए भी स्पर्स पेंशन पोर्टल लॉन्च हो गया, बहुत सारी कमियां भी है इस पोर्टल में, सही तरीके से अवेयरनेस भी नहीं फैला, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे पेंशनर्स नो डाउट परेशान हुए। इसलिए हमने भी कोशिश की कि जितना हो सके उतना हम आपको प्रैक्टिकल जानकारी दें ताकि आप घर बैठ करके ही सारी चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज कर सके। तो फिलहाल हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर आपका डेटा स्पर्स पेंशन पोर्टल में माइग्रेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना है और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। गलती ये हुई है कि लोगों का डेटा स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है और वो किसी कॉमन सर्विस सेंटर में गए, CSC में गए या किसी दूसरे से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवा लिया और उन्होंने वहां पर स्पर्स सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसे सिचुएशन में आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेटेड नहीं है और आप वहां पर स्पर्स में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पहला काम आपको क्या करना था कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना था, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख नवंबर 2022 ही था। ये जो डेट एक्सटेंशन मिला है ना, ये सिर्फ स्पर्स वालों के लिए मिला है जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए,
जिन लोगों का डेटा माइग्रेट नहीं हुआ स्पर्स में उनका लास्ट डेट 28 नवंबर था। तो अब आप जरा सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपने बैंक में भी लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट नहीं किया है तो आपका पेंशन रुक सकता है। तो सबसे पहले तो जाकर के उसे चेक कर लीजिए। दूसरा सिचुएशन यह है कि लोगों ने अपना स्टेटस चेक किया था उस टाइम पे और उनका माइग्रेशन नहीं हुआ था स्पर्स में, तो उन्होंने बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका डेटा धीरे धीरे माइग्रेट हो रहा था तो वो स्पर्स में माइग्रेट हो गया, उन्होंने अपना स्टेटस चेक नहीं किया और वो बैंक वाला ही छोड़ दिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में भी आपकी पेंशन रुक जाएगी। आपका जब डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्स पेंशन पोर्टल में तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट करना है। हालांकि स्पर्स में अगर आपका डेटा माइग्रेट हो गया तो आपको टाइम जो है 28 फरवरी का मिल गया, इसलिए अभी तो पेंशन नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आपने बैंक में सबमिट किया स्पर्स में नहीं किया तो आपका पेंशन रुक सकता है। इसलिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूं कि पीसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के स्टेटस जरूर चेक करें, और स्टेटस अगर आपका स्पर्स में माइग्रेटेड है तो स्पर्स में भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। आपने बैंक में किया है या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पर्स में आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर स्पर्स में आपका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है तो आप बैंक में सबमिट कर दें, उसके बाद आप स्पर्स में भी जरूर चेक करें कि आपका डेटा माइग्रेट हुआ है कि नहीं। वो आप 10 दिन 15 दिन पे चेक कर सकते हैं और वो बहुत इजी स्टेप है, जो कि मैंने आपके सामने ये विंडो ओपन कर रखा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में ATH इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है। अब बात यह आती है कि जिन लोगों का डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो गया है और उन लोगों ने अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो क्या उनका पेंशन रुक सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो गया है तो फिलहाल आपका पेंशन नहीं रुकेगा क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन आप इसके चलते अपने लाइफ सर्टिफिकेट में देरी ना करें, जितनी जल्दी हो सके फिलअप कर दें। दूसरा कंक्लूजन पॉइंट यह है कि आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट नहीं है तो, और अभी तक आपने बैंक में सबमिट नहीं किया, तो आपको बैंक जाकर के उसको सबमिट करना है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो आप अपने बैंक में जाकर के सबमिट कर लीजिए। अब तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है फिर भी आपका पेंशन आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको कंप्लेन लॉन्च करना है स्पर्स पेंशन पोर्टल में। तो कंप्लेन कैसे लॉन्च करते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी यहां पे बताया हुआ है आपको। स्पर्स से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं और चाहे तो आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। चौथा सिनेरियो ये है कि अगर आपका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है, आपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट किया था तो आपका पेंशन रुक गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बैंक से कांटेक्ट करें, आपका पेंशन नहीं रुकेगा क्योंकि जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ उनका पेंशन बैंक से ही मिलेगा जैसे पहले मिलता आया था। जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है उनका पेंशन बैंक से ना मिल करके स्पर्स पेंशन से पोर्टल से मिलेगा, लेकिन खाते उसी खाते में जाएगा जिस खाते में आज तक आपको पेंशन मिलता रह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आपको पता ही कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो और कम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।